तो आज DSE 3 का पेपर हुआ है VBU में, सेशन 19-22 है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। तो क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो फॉर्म द इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस। उसके बाद है कि इफ़ 2x-1 इज़ अ रिपीटेड फैक्टर, तो आपको बताना है कि फाइंड अदर रूट, इस इक्वेशन के अदर रूट्स फाइंड आउट करने थे। फिर -3 इज़ अ डबल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो फाइंड द अदर रूट। अब उसके बाद आगे बात करना था फॉर्म द इक्वेशन, जिसका दो रूट ये है भाई। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इमेजिनरी वाला, कि दो रूट दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर 4 हो जाता है। फिर चारों रूट्स के मदद से हम इक्वेशन बना पाते हैं। फिर आइए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो डिस्कार्ड्स रूल के मदद से हम इसका नेचर लिख सकते थे कि कितने रियल होंगे कितने इमेजिनरी होंगे साइन ऑफ चेंज के मदद से। फिर यहाँ पे समेशन अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना था, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू। फिर उसके बाद राइट डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, ये भी आप लिख सकते थे। फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो सिंथेटिक डिवीजन लगा करके आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद है सो दैट दिस इज़ डिविजिबल बाय दिस, तो जब इससे आप दिखाना था कि ये चीज़ इससे डिवाइड है, तो पहले आपस इन दोनों फैक्टर में x-i और x+i को मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करके फिर रिमाइंडर 0 दिखा देते हैं तो मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। फिर फाइंड दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं अदर देन +y and -i, मतलब i और -i दो रूट है इसका, इसके अलावा बाकी के जो दो रूट हैं वो निकालने थे क्योंकि टोटल 4 रूट्स थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारे के ईजी थे। अब देखिए सेम डिजिट के क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व करे हैं। सॉल्व द इक्वेशन इफ़ इट्स 2 रूट्स आर इक्वल, कि अगर इसके दो रूट्स इक्वल है तो सिंपली आप कोई दो रूट्स को x मान सकते थे कि चलिए एक इसका एक रूट्स है x, तो जब आप सम ऑफ x फिर दूसरा भी x और तीसरा y ऐसा मान सकते थे, तो x+x मतलब सम ऑफ रूट्स के मदद से निकल जाता है इसका आंसर। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ करके निकाल सकते थे, क्लास में सॉल्व करवाया गया ये सब। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, तो ये जो क्वेश्चन है 2 का बी मैराथन क्लासेस में भी करवाया गया था इंपॉर्टेंट में। फिर अब देखिए यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन 3 का ए, एक्स का 4x⁴ - 4x³, ये जो है इफ़ द सम ऑफ टू रूट्स इज 0, तो ये भी सेम क्वेश्चन हमने क्लासेस में सॉल्व करा है ना। अब आते हैं 3 का बी, तो सॉल्व द इक्वेशन दिस इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज 2, तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी हमने हिंट करे थे क्लासेस में, शायद सॉल्व भी करवाया गया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बट आप लोग उम्मीद है कि आप 2 का ए भी आप आसानी से सॉल्व किए होंगे, जिसका क्वेश्चन पेपर है वो शायद 2 इन्होंने सॉल्व नहीं करा है, 3 भी सॉल्व नहीं करा है, बट 4 इन्होंने अटैम्प्ट करा है। 4 क्या था कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इंक्रीज बाय 2, मीन्स कि आप यहाँ पे एक चैप्टर पढ़े थे ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया था कि 2 से इंक्रीज़ कराना है इसके रूट्स को या फिर किससे इंक्रीज़ कराना है, तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते थे। उसके बाद देखिए बी नंबर भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से ही क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस इन एन इक्वेशन इन विच सेकेंड टर्म इज़ मिसिंग, रिमूवल ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन हो गया, आप इजिली कर सकते थे इसको। फिर 5 देखिए एक अकेला क्वेश्चन गार्डन्स मेथड से 20 मार्क्स के लिए, जो हम बार बार बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्क्स में, देखिए है ना। तो 4 ये जिस भी बचे का क्वेश्चन है, तो 4 उन्होंने सॉल्व करा है और 5 बहुत आसान क्वेश्चन था, इन्होंने 5 को सॉल्व नहीं करा है। फिर जैसे 3 का ए भी छोड़ दिया इन्होंने। फिर 6 में देखेंगे तो ये सब जो क्वेश्चन है 6 का ए भी, ये कम्प्लीट 6 जो है मैराथन क्लासेस से है। अगर कोई बच्चा मैराथन क्लासेस भी किया होता तो 30-40 मार्क्स आराम से लिख करके आते, 1.5 से 2 घंटे का जो क्लास रहा था। तो देखिए कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस फॉर द क्यूबिक इक्वेशन दिस हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, 5 सिमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड आउट करने थे। अब आइए अब देखिए सिलेबस का रहा बात, तो सिलेबस रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हमने स्टर्म्स थ्योरम नहीं पढ़ा था, बट क्वेश्चन स्टर्म्स थ्योरम भी पूछा गया है देखिए, और स्टर्म्स थ्योरम से एक क्वेश्चन रहता है लेकिन 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पर कोई बात नहीं, इसके अलावा भी आप लोग 3 क्वेश्चन कर सकते थे, तो हम लोग इससे सीख लेते हैं कि रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में।